हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए एक अपडेट लेके आए हैं CUET 2023 फेज 3 के लिए। जिन बच्चों के भी एग्जाम कंडक्ट होने हैं 29 मई से लेके 2 जून के बीच में, उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। वो NTA की वेबसाइट विजिट करके अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों के एग्जाम रीशेड्यूल हुए हैं, उनकी भी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाल दी है NTA ने, वो भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो सिटी अलॉट करी गई है, बच्चे की प्रेफर्ड सिटी ही अलॉट की गई है। जिन केसेस में वो दूर हैं तो बच्चे उनको डाउनलोड करें और वहाँ जाने का अपना हिसाब किताब बनाए कि वहाँ वो कैसे पहुँचेंगे, टाइम पे पहुँचे। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अटेंडेंस की जहाँ तक बात करें, 74-75% अटेंडेंस रिकॉर्ड की गई है Day 4 तक। इसका मतलब ये है कि 25% बच्चे अपने पेपर नहीं दे रहे हैं। उनके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो सिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, या उन्होंने कोई और प्लान बना लिया है। बट इससे आपका कंपटीशन कम हुआ है। आपको प्रोसेस में बने रहना है, अपना पेपर देना है, लास्ट तक जाना है और अपना एडमिशन लेना है। जो भी यूनिवर्सिटी आप ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आप एम कर रहे हैं, वो आपको मिल सकती है। कॉम्पिटिशन कम है, आप कॉम्पिटिशन में बने रहिए, प्रोसेस को पूरा फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।